हेलो बच्चों, दिस इज डेजी चा एंड वेलकम टू नोवोदय। आज हमारे सुपर रिवीजन सीरीज का लेक्चर 8 होने वाला है। कल हमने 70 क्वेश्चन इस सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं। हम इस सीरीज में वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो कि पुराने सालों में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हम डील कर रहे हैं इस सीरीज में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80 तक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2017 में, 2017 में जो एग्जाम हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है ये सीरीज। जिन बच्चों का 29 अप्रैल को एग्जाम है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस का, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो जो भी जिन बच्चों का भी एग्जाम है वो पूरी सीरीज को फॉलो करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। नीचे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, ट्राइंगल्स बनी हुई है मेड ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पैटर्न बनी हुई है, जैसे एक ट्राइंगल बना हुआ है उसके नीचे 3 लिखा है, फिर एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है ऐसे, उसके नीचे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक ट्राइंगल ऐसे इस टाइप से बना हुआ है, उसके नीचे 7 लिखा हुआ है। ये पैटर्न दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी मैच स्टिक्स डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 ट्राइंगल्स। 10 ट्राइंगल बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स की जरूरत होगी। आपको दिख रहा है यहाँ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है 2 × नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जितनी भी ट्राइंगल्स है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स +1, ये सीरीज फॉलो हो रही है। कैसे मैम? देखो यहाँ पे कितनी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, तो पुट करो इसमें 2 × नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, 1 + 1 करो कितना होगा, 2 × 1 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखो 3 है यहाँ पे, यहाँ देखो कितना है, देखो कितनी ट्राइंगल दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रही है मैम। तो 2 × नंबर ऑफ ट्राइंगल की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे +1, तो 2 × 2 4 + 1 क्या हो रहा है, 5। यहाँ कितनी ट्राइंगल दिख रही है मैम, यहाँ 3 ट्राइंगल दिख रही है, तो 2 × 3 + 1 ये हम लिख रहे हैं यहाँ कितनी ट्राइंगल्स है, और बाकी तो ये पैटर्न है 2 × 3 6 + 1 7। अगले डायग्राम में देखो आपको कितनी दिख रही है, आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा ऐसा और फिर दिया हुआ है ऐसा, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, कितनी दिख रही है यहाँ पे मेरे को, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स दिख रही है, कितनी ट्राइंगल दिख रही है, 4 ट्राइंगल दिख रही है। 2 × 4 + 1 कितना हो गया, 2 × 4 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो देखो 9 लिखा हुआ है क्या इसके नीचे, 9 लिखा हुआ है इसके नीचे, हाँ लिखा हुआ है मैम। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 10 ट्राइंगल अगर हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर कितनी हो, 10 हो तो कितनी स्टिक्स लगेंगी। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा था हमारा, 2 × नंबर ऑफ ट्राइंगल +1 ये फॉलो हो रहा था, 2 की जगह 2 लिख दिया, नंबर ऑफ ट्राइंगल की जगह हमें 10 का पता करना है तो 10 का लिख दिया, +1 की जगह 1 लिख दिया, तो 2 × 10 20 + 1, और 20 + 1 कितना होता है, 21। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बोल रहा है। ठीक है, मल्टीपल्स मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स का मतलब हुआ 8 के टेबल में जो जो आते हैं, मतलब 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ये मल्टीपल्स बोले जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल बोल रहा था, तो 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल कौन से होते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 30, ये पहले 4 मल्टीपल है, इनका बोल रहा है सम करने के लिए, ऐड कर दो इन सबको। तो ऐड कर दो 8 + 16 + 24 + 32, इन चारों को ऐड करेंगे बेटा हमारे पास आएगा आंसर 80। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 80। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो द एरिया ऑफ एडजेसेंट फिगर, यहाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है उसका एरिया पूछ रहा है आपसे। तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये एक ऐसे स्क्वायर दे रखा है, एक इधर ट्राइंगल दे रखा है और एक ट्राइंगल इधर दे रखा है, ये सेम है ट्राइंगल दोनों। ठीक है, तो ये तो है बेटा स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है तो पता है हमें, तो हमें एक साइड दी हुई है पहले से कि 12 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल का बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, बोल रहा है इस पूरे का एरिया फाइंड करो। तो मुझे दिख रहा है कि तीन डायग्राम है इसके अंदर, 1 2 3, तीनों का अलग अलग पता कर लेते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि एरिया पूरा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, एरिया 1, एरिया 1 निकालोगे तो एरिया 1 क्या है, ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ½ बेस × हाइट, तो ½ बेस कितना है, देखो बेस दे रखा है ट्राइंगल का 4 सेंटीमीटर, तो 4 × हाइट, हाइट क्या होगी ट्राइंगल की, हाइट ये होगी बेटा ये
स्क्वायर की जो ये वाली साइड है ये हाइट होगी, है ना, तो ये कितनी है, स्क्वायर की सारी सारी साइड बराबर होती है, तो अगर स्क्वायर की एक साइड 12 है तो ये भी 12 साइड सेंटीमीटर होगी, है ना। हाइट कितनी हो जाएगी, 12, 2 से 4 को काटा, 2 टाइम्स 2 × 12 कितना आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 2 क्या दिख रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड करेंगे तो साइड में दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 कितना हो गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया 3 निकालेंगे हम, एरिया 3 फिर से ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस फिर से वही है 4, और हाइट भी फिर से वही है, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 12 कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों के एरिया को ऐड कर लेंगे तो टोटल एरिया पता चल जाएगा हमें, है ना, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 144 और 24 और 24, तीनों को ऐड कर लो, 4 3 12 9 और 1 192 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। इजी क्वेश्चन एकदम, कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा बेटा, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 1:45 PM फ्रॉम अ स्टेशन, एक ट्रेन है जो स्टेशन से 1:45 पे निकलती है, किस स्पीड से निकलती है, 60 किलोमीटर पर आवर से निकलती है, एट व्हाट टाइम कितना टाइम लगेगा उसको, विल इट रीच अ स्टेशन, एक स्टेशन पे पहुंचने के लिए जो कि कितना दूर है, 165 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आपकी ट्रेन निकल रही है किसी टाइम पे, स्टार्ट हुई है ट्रेन, स्टार्ट हुई है कितने बजे, 1:45 PM पे, स्पीड दे रखी है हमें, ये स्पीड क्या थी ट्रेन की, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, उसके बाद हमें दी हुई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 165 किलोमीटर दूर है वो स्टेशन जहां जाना है, और टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दे रखा है 165 अपॉन 60, कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो 33 अपॉन कितने टाइम जा रहा है बताओ, 12, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 11 जा और यहाँ जाएगा 3 4 जा, है ना, तो टाइम क्या आ रहा है हमारे पास, 11/4, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, इतने टाइम जाएगा 2 3/4, 2 3/4 का मतलब क्या होता है, 2 आवर्स, और 3/4 भी आवर्स में, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 1 4 और 4 5 20, और 15 × 3 कितना होता है, 45 होता है ना, तो क्या टाइम आया हमारे पास, टाइम क्या आया, 2 आवर्स, और अभी मिनट में कन्वर्ट हो गया, ये 45 मिनट है, तो 2 आवर्स और 45 मिनट लगे उसको उस स्टेशन तक जाने के लिए, तो स्टार्ट कितने बजे हुई थी बेटा, स्टार्ट हुई थी 1:45 PM पे हमारी ट्रेन, अब इसको इसमें ऐड करना है हमें 2 आवर्स और 45 मिनट, ऐड करो, 2 आवर्स ऐड करोगे 1 बज रहे हैं, 1 बजे में 2 घंटा और ऐड करो, 2 बज गए, 3 बज गए, पहले को 3 बज गए, 3 3 AM सॉरी 3 PM हो गया, और 45 मिनट और 45 मिनट मिलकर कितना हो जाता है बताओ, 45 मिनट और 45 मिनट कितना होता है, 90 मिनट्स होता है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 तो बज ही रहे हैं, 3 PM और प्लस 90 मिनट और इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बताओ, 4:30 PM, कितने बजे पहुंचोगे आप वहां पे, 4:30 बजे पहुंचोगे, ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है, व्हाट शुड बी साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर विच पेरीमीटर इज इक्वल टू इस एरिया, एक स्क्वायर के बारे में बात हो गई है, कोई एक स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ना बेटा, इसका जो एरिया है वो और जो पेरीमीटर है वो दोनों इक्वल है, ये बोल रहा है, ठीक है जी, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए मान लिया हमने, पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, मतलब 4 × ए ये मान लिया हमने, इस ए को हम इधर भेज देंगे, ए मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, वो ए इंटू ए अपॉन ए हो जाएगा इज इक्वल टू 4, ए से ए कट गया तो ए हमारे पास बच गया 1 और इधर बच गया 4, तो ए हमारे पास आ गया 4, ए क्या था साइड, तो साइड हमें पता चल गई कि साइड क्या थी स्क्वायर की, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये पूछ रहा था हमसे, व्हाट शुड बी साइड, साइड क्या होगा स्क्वायर का ये पूछ रहा था, 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो, जम्मू एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एट 8:20 AM, जम्मू एक्सप्रेस है वो जम्मू से स्टार्ट होती है कितने बजे, सुबह में 8:20 AM पे स्टार्ट होती है, अब क्या बोल रहा है आगे आपको, इट टेक्स 8 आवर्स 35 मिनट्स टू रीच दिल्ली, मतलब यहाँ से दिल्ली पहुंचने में, ये दिल्ली पहुंच रहे हैं यहाँ से, कितना टाइम लग रहा है इनको, 8 आवर और 35 मिनट,
इफ इट इज लेट बाय 25 मिनट, लेट हो रही है 25 मिनट, तो और 25 मिनट लगेंगे, प्लस 25 मिनट और लगने वाले हैं, है ना? देन एट वॉट टाइम विल इट रीच दिल्ली, तो कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी? तो 8:20 पे निकली और वहां से 8 घंटा और 35 मिनट लगा, 8 आवर्स और 35 मिनट लगा, तो कितना हो गया? 8 आवर्स जोड़ो पहले, 8 बजे में 8 बजे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 बज जाएंगे शाम के, और 35 और 20 कितना होता है? 55, तो 4:55 PM हो गया वैसे तो शाम का, पर लेट हो गई कितने मिनट से? 25 मिनट से, तो 25 मिनट और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5:20 PM पे पहुंचेगी शाम पे ट्रेन दिल्ली। क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है बेटा? 999 × 99 × 9 / 99 & 3, ठीक है देखो क्या बोल रहा है। 999 × 9 / 99 / 3, यही बोल रहा था। देखो ये तीनों डिवाइड में, तो तीनों जो डिवाइड में ना, ये तीनों अपॉन में आ जाएंगे, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में 999 ऊपर × 99, ये भी ऊपर न्यूमरेटर में मतलब अंश में, और बाकी सब हर में, क्यों? क्योंकि सब डिवाइड में, तो 99 × 9 × 3, ठीक है चलो कैंसिल आउट करो, 99 से 99 कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा? बचा 999 / 3, कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3, आंसर क्या आएगा? 3 3 3 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द इनकम्प्लीट बार ग्राफ शोज संयुक्ता, देखो अब आपको एक बार ग्राफ दे दिया हुआ है यहाँ पे, ये इनकम्प्लीट है, देखो यहाँ पे फरवरी का कोई डेटा नहीं है, मार्च का कोई डेटा नहीं है, नहीं है ना, ठीक है आपको इनकम्प्लीट डेटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? संयुक्ता की सेविंग दिया दिखा रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, किसी साल के पहले 5 महीने, पहले 5 महीने उसने क्या सेव किया वो बता रहा है हमें, ठीक है। शी सेव्ड अ टोटल ऑफ ₹950 ड्यूरिंग 5 मंथ्स, 5 महीने में वो कितना बचा लेती है बेटा? देखो आपको बोल रहा है कि उसने 5 महीने पैसे बचाए संयुक्ता ने, है ना, कितने बचाए टोटल वो भी आपको दे रखा है, ₹950 टोटल बचाए। अब और क्या दे रखा है? ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन फेब्रुअरी वॉज एज मच एज दैट सेव्ड इन मार्च, मतलब फेब्रुअरी में और मार्च में जो अमाउंट सेव किया गया है वो दोनों क्या है? सेम है, सेम है, ये फरवरी और मार्च में उसने जो बचाए है ना पैसे वो दोनों सेम है। हाउ मच डिड शी सेव इन फेब्रुअरी, कितना बचाया उसने फेब्रुअरी में, ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं उसने जनवरी से लेकर मई तक का डेटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 5 महीने का डेटा दिया हुआ है। देखते हैं ग्राफ से जनवरी में कितना बचाया है, देखो जनवरी में कितना बचा है, कितना बचा है यहाँ तक है, यहाँ तक कितना बचा है? 180 बचा है जनवरी में, है ना, चलो जनवरी में 180 बचाया। फरवरी में कितना बचाया? देखो फरवरी और मार्च का डेटा हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि दोनों सेम है, तो मान लिया ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों सेम है क्योंकि, है ना। अब अप्रैल में देखो कितना बचाया, अप्रैल में देखो यहाँ तक बचाया है, तो कहाँ जा रहा है ये? 100 से मैच हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है ये देखना, इधर इधर देखना आपको, कहाँ मैच हो रहा है? 100 से मैच हो रहा है, ठीक है, तो अप्रैल में 100 है। अब मई में देखेंगे, मई में कितना है बताओ, देखो ये तो वापस से उधर जा रहा है 180 के पास, है ना, मई में भी कितना बचाया? 180 बचाया, ठीक है चलो। और टोटल पता है हमें, हमें ये पता है कि इन सबका टोटल कितना आना चाहिए, 950 आना चाहिए। चलो पहले हम देख लेते हैं ऐड करके कितना आ रहा है ना, 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360, 360 और 100 कितना हो जाएगा? 460, 460 + A + A, यही है ना, ये सब ऐड किया हमने तो हमें पता है ये सब ऐड करके किसके बराबर आना चाहिए, 950, उसने टोटल 950 बचाए ये पता है हमें, है ना। तो देखो ए और ए कितना हो जाता है बेटा? 2A, और ये 460 को हम उधर भेजेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इधर 950 के पास, तो 950 उधर प्लस में था, 460 इधर आएगा, तो किसमें हो जाएगा? माइनस का 460 हो जाएगा, है ना, तो कितने बचे बताओ? 2A = 490 बच गए। अब 2A की वैल्यू अगर 490 है तो A की कितनी होगी कैसे पता लगाएंगे? 2 को भेज देंगे इधर, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड, 490/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करो, A = 2, 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा, A की वैल्यू कितनी आ गई? 245, इसका मतलब उसने फरवरी में और मार्च में कितने कितने रुपए बचाए हैं, कितने कितने रुपए बचाए हैं? 245 रुपीज उसने दोनों महीनों में 245 245 बचाए हैं, ठीक है। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? देखो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा लेंदी देख के हमें डर लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा, पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ फिश टैंक कैन होल्ड 45 लीटर्स ऑफ वाटर व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम, कोई फिश टैंक है, ये एक फिश टैंक है, बहुत सारे घर में होगी,
ब्रिम तक भरने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए होता है? 45 लीटर। आगे क्या बोल रहा है? इट इज 4 बाय 9 फिल्ड, इट इज 4 बाय 9 फिल्ड इफ 2 बाय 5 ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड। मतलब इतना तो चाहिए टोटल, पर ये इतना भरा हुआ नहीं है। कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है? ये अभी सिर्फ 4 बाय 9 भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से पानी निकाला जाता है, कुछ कुछ वाटर आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 2 बाय 5 निकाल दिया। हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू फिल द टैंक टू द ब्रिम। अब वापस से भरना है, पानी निकाल तो लिया आपने, पर हमें फिर से भरना है इसको ऊपर तक, ब्रिम तक। तो कितना पानी लगेगा ये बोल रहा है आपको, ठीक है। देखो टोटल वाटर आपको कितना दे रखा था, टोटल दे रखा था कि टोटल वाटर जो जरूरत है भरने के लिए, रिक्वायर्ड है टोटल वाटर, वो कितनी है बेटा? 45 लीटर। अब अभी कितना है टैंक फिल्ड, कितना है? 4 बाय 9 बोला था हमें, 4 बाय 9 तो फिल है, पर किसका 4 बाय 9? 45 का 4 बाय 9, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स 4 5 जा 20 लीटर अभी भरा हुआ है, होना चाहिए 45 लीटर पर है 20 लीटर, ठीक है। अब इसमें से हमने कुछ पानी निकाल दिया, वॉटर रिमूव, कुछ पानी आपने टैंक में से निकाल दिया, कितना? 2 बाय 5। अभी 2 बाय 5 किसका निकालोगे? जितना पानी है उसी का तो निकालोगे। तो पानी कितना था? 20 लीटर था, तो 20 लीटर का आपने 2 बाय 5 निकाल दिया, कैंसिल आउट करो, 5 4 जा, तो 8 लीटर पानी आपने निकाल दिया। अब कितना बचा, बचा कितना है पानी, रिमेनिंग वॉटर कितना है? देखो 8 लीटर निकल गया 20 लीटर में से, 20 माइनस 8 अब कितना है? 12 लीटर बचा हुआ है। अब हमें बोल रहा है फिर से भरना है इसको ब्रिम तक, फिर से ऊपर तक भरना है। तो ब्रिम तक भरने के लिए हमें टोटल कितना चाहिए था, पता है? मैं वो तो शुरू में दे रखा था, ब्रिम तक भरने के लिए 45 लीटर पानी चाहिए था, पर है कितना लीटर? 12 लीटर, है ना। तो कितना और चाहिए, तो माइनस कर देंगे पता चल जाएगा, 3 और 4 में से बन गए 3। कितना पानी और चाहिए? 33 लीटर्स ऑफ वाटर हमें और चाहिए ब्रिम तक भरने के लिए टैंक को। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा? देख ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या बोल रहा है? अ फ्रूट शॉप सेल्स बनानास एज 40 रुपीज पर डजन। मतलब 1 डजन का कितना कॉस्ट लेगा? 1 डजन का कॉस्ट लेगा 40 रुपीज। और अब बनाना फॉर, या तो ऐसे डजन के हिसाब से लेना है तो ऐसे मिलेगा आपको, 1 दर्जन ले लो 40 रुपए, और या फिर क्या होगा कि 1 बनाना आपको देगा, अगर आपने 3 4 डजन के हिसाब से नहीं लिया, आपने बोला 5 ही बनाना चाहिए मुझे, तो 1 बनाना आपको कैसे मिलेगा? 5 रुपीज के अकॉर्डिंग मिलेगा, ये है प्राइस टैग, ठीक है। अब आपको बोल रहा है 99 बनाना खरीदने हैं, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाई 99 बनाना, ये बोल रहा है आपको। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना ये पता है आपको, 1 डजन बनाना कॉस्ट प्राइस क्या है? 40 रुपीज, ठीक है। और आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना भी पता है आपको, 1 बनाना का भी पता है आपको कि अगर एक एक करके लोगे तो कैसे मिलेगा आपको, 5 रुपए में एक मिलेगा। लेने कितने हैं हमें, लेने हमें कितने हैं बेटा? 99 बनाना ले। इस 99 बनाना को मैं 96 + 3 लिख सकती हूँ, लिख सकते हो मैम। तो 96 बनाना का मतलब क्या हो गया? 96 बनाना का मतलब 8 डजन बनाना हुए, 8 डजन बनाना + 3 बनाना ऐसे लेंगे हम। हम कैसे लेंगे? 8 डजन बनाना + 3 बनाना, और ये प्लस करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये प्लस करने पे 99 होते हैं पूरे जो हमें खरीदने हैं। 8 डजन बनाना का तो हम डजन वाले हिसाब से लगाएंगे प्राइस, तो डजन वाले हिसाब से क्या प्राइस लगेगा? 1 डजन का लग रहा था 40 रुपीज, तो 8 डजन का कितना लगेगा? 40 × 8 कितना हो गया? 320, है ना। अब देखो यहाँ, यहाँ हमें पता था कि 1 बनाना का कॉस्ट लग रहा है कितना, 5 रुपीज, तो 3 बनाना का कितना लगेगा? 3 × 5 लगेगा, जो कि कितना होगा? 15 रुपीज। आप दोनों का ऐड करोगे, 320 और 15 कितना हो जाएगा बताओ? 335 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ? देखो 335 आया ना आपका, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज के लिए हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसी के साथ हम 80 क्वेश्चंस आज पूरे कर चुके हैं। कल हम 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज जो हमने 10 क्वेश्चन पढ़े थे वो 2017 में आए हुए क्वेश्चन थे, और कल जो हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा वो भी 2017 में आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे।
आपको 20-20 क्वेश्चंस का सेट मिलता है नवोदय एग्जाम में, जिसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम होता है मैथ्स के लिए। 20 क्वेश्चंस मिलते हैं मैथ्स में और 25 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास, ठीक है। तो हम 10-10 क्वेश्चंस का सेट डेली सॉल्व कर रहे हैं। 29 अप्रैल को आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज से, सुपर रिविजन सीरीज से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।